हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। लास्ट वीडियो हमने जब चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाटकों से संबंधित, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट में जो हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं, तो मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, लेकिन ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं बच्चे। और वो क्यों नहीं ले रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए है या नहीं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। जो बच्चा इनको बहुत डीप में जाकर पढ़ता है, तो सिलेक्शन जो है वही ले पाएंगे। आरबीएससी की बुक जो है वो आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी है, इतने माइंड में बैठा लेनी है कि आपका कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाता है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछ लिया जाए, आप लोग उसका आंसर दे पाओगे। क्योंकि आप लोग यदि ध्यान नहीं दोगे, ये सोचोगे कि मैम ने तो चैप्टर पढ़ा दिया है, बाद में क्वेश्चन आंसर तो हमें मिल ही जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री में, तो हम क्या करेंगे इतनी मेहनत करके। तो बिल्कुल, जो लोग मेहनत करते हैं तो वो चीज उनकी रंग लाती है जब एग्जाम होता है। तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ना करें, छोटी छोटी चीजों से ही इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो हम पढ़ेंगे पहले राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा और बोलियां, तो जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है, वही राजस्थानी भाषा कहलाती है। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने जो कुवले माला लिखी थी, इसमें वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1835 विक्रम संवत में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवले माला, जिसमें उन्होंने 18 भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया था, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। कौन सी? मरु भाषा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। तो सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया राजस्थान की भाषा के लिए, तो वह किया 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित तो हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ोती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। तो इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये ना सोचिए कि मैडम जो है वो तो एकदम रीडिंग करवाती जा रही हैं। आप लोग बुक से रीडिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वहां आपका इंटरेस्ट जो है वो इतना नहीं होगा जितना कि यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर रुचि जो है वो बढ़ चढ़ कर दिखाइए। यहाँ हम चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ समझ नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये चीज क्लियर हो जाती है, जब हम बिल्कुल पॉइंट वाइज वहां पर काम करते हैं, एक एक लाइन जो है उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो राजस्थानी भाषा पर सबसे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह किसका पड़ा? पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली अपभ्रंश भाषा का प्रभाव जो है वह पड़ा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं 12वीं शताब्दी से माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है यहाँ पर, समस्त ना लिखकर पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा की जननी कौन सी है। तो हमें याद रखना है वैदिक संस्कृत है, सभी भाषाओं की जो जननी है वह कौन सी है? वैदिक संस्कृत भाषा है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में क्या बदल गई। ठीक है, जैसे वहां के लोग थे तो यह क्या हुआ, उस लौकिक संस्कृत में बदल गई। सबसे पहले क्या आई? वैदिक संस्कृत, और उसके बाद उसका बदला रूप लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और पाली भी अब लोक जब लोक से अलग होने लगी तो इसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो बच्चे यही पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई। तो देखिए, स्पष्ट है बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले जो जननी है सभी भाषाओं की वो क्या है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत
के बाद परिवर्तित हुई लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत से परिवर्तित हुई पाली भाषा, पाली भाषा के बाद कौन सी आई प्राकृत भाषा जो कि जन सामान्य की भाषा थी। जैसा कि माना जाता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, अब ये लाइन जो है यह आपके भाषा शिक्षण में पूछी जाएगी, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, पूछी जाएगी भाषा जो है वह उसका क्रम क्या है। तो कई बच्चे देख लेंगे सरलता से कठिनता की ओर, गलत हो जाएगा आपका। क्या है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो शिक्षण विधियां होती हैं, भाषा शिक्षण जो होती है, इसकी कोई अलग जो है वो इस तरीके की बुक नहीं होती है कि आपको हर चीज जो है वहां मिल जाए। ठीक है, तो ये जो बुक है पढ़ने का हमारा एक ये भी मकसद होता है कि यहाँ पर हम उस भाषा को समझते हैं, चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे वह आपकी इतिहास हो, भूगोल हो, बुक में जो भी लाइनें होती हैं यही आपके भाषा शिक्षण में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस चीज को जो है वो गौर नहीं किया होगा आपने, लेकिन यहाँ पूछ लिया जाता है कि भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, तो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा जो है वो पहले या कौन सी बाद में आई, तो वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा। और भाषा जो है वह सरलता से कठिनता की ओर अग्रसर नहीं होती, बल्कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कैसे, वैदिक संस्कृत जो है वह हम लोगों को इतनी अच्छे समझ में नहीं आएगी, उसके बाद लौकिक संस्कृत है थोड़ी बहुत समझ में आ सकती है, पाली भाषा आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो प्राकृत भाषा है, जो जन सामान्य की भाषा है, सभी को जो चीज समझ में आ जाएगी, तो वो कौन सी है, प्राकृत भाषा है। तो कैसे चली भाषा, भाषा कठिन से सरल की ओर चली। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी, अब प्राकृत भी कठिन लगने लगी जन सामान्य को, तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। तो जैसे जैसे भाषाएं कठिन होने लगी वैसे वैसे उन्होंने सरलता का रूप लिया। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में तीन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें देखिए राजस्थानी भाषा के विकास में भी तीन अपभ्रंश भाषाएं हैं। कौन सी, सौर सैनी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, तीनों नाम ही याद रखिएगा। इन सब में से मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी और गुर्जरी से गुजराती भाषा इसका विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होती है। भाषा की व्याकरण विशेषताओं को देखें तो ये ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा फर्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ा हमने वहां पर भी इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो कौन सी है कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है राजस्थान की भाषा के लिए किसने किया, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया। कब किया, 1912 में किया। किसमें किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। ठीक है, और उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवले माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 18। कौन सी भाषा जोड़ी गई, मरु भाषा को सम्मिलित किया गया। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये चीजें बिल्कुल देखनी चाहिए, नोट करनी चाहिए। अब है क्षेत्रीय बोलियां जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वह उसकी हो जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है और सेखावटी है, और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी, डूडाड़ी, डूंडाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहिरवाटी या राठी। ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी राजस्थानी की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो कौन सी हैं, बोलियां हैं, ये भाषाएं नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, बागड़ी है और सेखावटी है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थानी में देखिए डूडाड़ी है, हाड़ोती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। चलिए अब पढ़ते हैं हम राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जिसमें सबसे फर्स्ट है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, पश्चिमी राजस्थान की बोली है। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो हम सभी जानते हैं राजस्थान का इतिहास हमने जब पढ़ा था कि मारवाड़ का रोल जो है वह कितना रहा, तो मारवाड़ क्षेत्र की वजह से वहां
जो बोली बोली गई उसे क्या कहा गया, मारवाड़ी बोला बोली गई। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा था, जोधपुर था। इसमें बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, ये सब क्या है, मारवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी कहलाई। तो देखिए, मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा, बहुत बड़ा रहा। इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। तो जहां आज हम इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी के क्षेत्र जानते हैं, तो पहले जो है इसे ही मारवाड़ी क्षेत्र के, मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ बोली जाने वाली बोली क्या कहलाई, मारवाड़ी कहलाई। थली और घोड़वाड़ी जो बोलियां हैं वो क्या है, मारवाड़ी की उप बोलियां हैं। तो हमने मारवाड़ी पढ़ा, नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के बाद मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ, मारवाड़ी में, उसके मारवाड़ में हुआ, उसके बाद मेवाड़ में हुआ। तो मेवाड़ जो है वो हम किसको कहते हैं, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इस क्षेत्र को हम मेवाड़ कहते हैं। तो यहाँ बोली जाने वाली बोली क्या कहलाई, मेवाड़ी बोली कहलाई। ठीक है, मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली आने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा गया। तो इसमें भी ये दो भागों में बट गई, पर्वत क्षेत्र में बोली जाने वाली पर्वतीय मेवाड़ी कहलाई और मैदानी क्षेत्र में बोली जाने वाली मैदानी मेवाड़ी कहलाई। नेक्स्ट देखिए डूणाड़ी। राजस्थान के प्राचीन डूणाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को डूणाड़ी बोली कहा गया। इस बोली को सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो आपने सुना होगा डूनाड़ी वाले जो हैं वो लास्ट में हर, जैसे हम है बोलते हैं, वो 6 शब्द का यूज करते हैं। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। तो गुजरात के लोग जो हैं वह भी इस शब्द को बोलते हैं ज्यादा, हर बात पे वो 6 वर्ड जो है वो लगाते हैं। आधुनिक राजस्थान में जहां जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र डूनाड़ी के क्षेत्र कहा जा सकता है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरजाल आदि इसकी क्या है, उप बोलियां हैं। नेक्स्ट है हाड़ोती। अब हाड़ोती प्रदेश आपको पता है, तो यहाँ बोली जाने वाली जो है बोली क्या कहलाई, हाड़ोती बोली कहलाई। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ोती बोली का क्षेत्र माना गया। इस बोली में डूनाड़ी की तरह, ठीक है, जैसे डूनाड़ी में 6 ही शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसी तरीके से इसमें भी किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इसका क्षेत्र जो है वो हाड़ोती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चीजें जो है वो बहुत ही इजी है, आप लोगों को याद यहीं पर हो रही होंगी। मेवाती जो है, अब मेवाती क्षेत्र जो है वो सभी को पता है, अलवर, भरतपुर। मेव जाति का आधिक्य होने से यहाँ मेव ज्यादा है, तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया और बोली को क्या कहा गया, मेवाती। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के जो अलवर भरतपुर है इससे जो टच है वह यूपी भी होता है और इससे टच जो है वह हरियाणा भी होता है। तो राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव जो है वह दिखाई देता है। ठीक है, किसमें, मेवाती, मेवाती बोली में ब्रज भाषा का भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है प्रभाव। नेक्स्ट है बागड़ी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये बांगड़ी अलग है और बागड़ी अलग है। बागड़ी जो है वो क्या है, बा यानी कि बांसवाड़ा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और डा जो है वो है डूंगरपुर। राजस्थान के बागड़ क्षेत्र की बोली को बागड़ी का नाम दिया गया। यह बोली जो है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। तो गुजराती बोली, गुजराती भाषा का जो स्पष्ट प्रभाव जो है वह बागड़ी में बोली जो है उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है वह क्या है, गुजरात से टच है। नेक्स्ट देखिए मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया। राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है,
इस क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। तो ठीक है, जो बागड़ी है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि गुजरात से टच है, इस वजह से उसका प्रभाव वहां दिखाई देता है। मालवी जो है, मालवा जो है, वह किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के भाग को। ठीक है, तो इस वजह से मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र जो है इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और नीमाड़ी इस बोली की क्या है? उपबोलियां हैं। किसकी? मालवी। मालवी बोली की उपबोलियां रागड़ी और नीमाड़ी है। नेक्स्ट जो बोली है वह है सेखावटी। राव सेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र सेखावटी कहलाया। इसी क्षेत्र की बोली को क्या कहा गया? शेखावटी कहा गया। आज जो चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है, गंगानगर है जो कि उत्तरी भाग है राजस्थान का, इस क्षेत्र में शेखावटी बोली बोली जाती है। तो आज हमने बोली से संबंधित जो है वह यहाँ तक कर लिया है। थोड़ा सा भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां भी हैं। राजस्थान के आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं इन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा तो इस चीज से आपको ये तो पता चला होगा कि क्षेत्रों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उस भौगोलिक क्षेत्र के नाम पर ही वहां की बोलियां जो है वह कहलाई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बहुत ही आसान है, यहाँ याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आपको बस पता होना चाहिए शेखावटी क्षेत्र जो है वह किस क्षेत्र को कहा जाता है, आज वर्तमान में कौन कौन से जिले उसमें आते हैं, बागड़ी क्षेत्र जो है वह किसको कहा जाता है, जुड़ाड़ी किसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे राजस्थानी साहित्य। तो चलिए पढ़ते हैं यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अखिल अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, अभिलेखों में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। तो देखिए, पूछा जा सकता है अभिलेखीय साहित्य किसे कहते हैं? तो शिलालेख, अभिलेख, सिक्कों और मोहरों में जो साहित्य मिलता है वह अभिलेखीय साहित्य कहलाता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा है, जहां विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साहित्यों को बांटा गया है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास की परंपरा को प्राचीन काल, जिसका प्रवृत्ति परक है वीर गाथा काल, इसे वीर गाथा काल कहा गया प्राचीन काल को, जो कि 1050 से 1550 ईस्वी तक का माना जाता है। दूसरा पूर्व मध्य काल, जो जिसे भक्ति काल कहते हैं, यह 1450 से 1650 ईस्वी तक का माना जाता है। उत्तर मध्य काल, जिसे श्रृंगार रीति और नीति परक काल कहा जाता है, यह 1650 से 1850 ईस्वी तक का। और आधुनिक काल, जो कि विविध विषयों विधाओं से युक्त है, यह 1850 ईस्वी से अब तक का समय माना जाता है। तो चलिए, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। प्राचीन काल, वीर गाथा काल। देखिए, पढ़ने में ऐसा लगता है आप लोगों को कि बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है। इनको पढ़ने से आपकी समझ जो है उसका विकास होगा, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्जाम में काम आएंगे। यहाँ पढ़ने के बाद जो शिक्षण में आप लोगों का जो हिंदी शिक्षण है, आपका जो सामाजिक शिक्षण है, तो इन चीजों में भी आपको ये चीजें जो है वो लाभकारी रहेगी। तो इस चीज को बिल्कुल ऐसे ना समझिए कि हमारा टाइम जो है वो खराब हो जाता है रीडिंग करने में, बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, भारत वर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना
पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को क्या कहा गया? वीर गाथा काल कहा गया। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। तो प्राचीन काल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया? तो हमने इस चीज को पढ़ा कि इस वर्ष इस काल में क्या हुआ कि भारत पर पश्चिम दिशा से आक्रमण हुए काफी, ठीक है। तो हमारे जो भी शासक थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें संघर्ष किया और समाज में जो वीर नायक के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। तो इस तरीके से प्राचीन काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल जिसे क्या कहते हैं? भक्ति काल। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने और समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई। तो कुछ लोग हुए, कुछ संत हुए, कुछ भक्त हुए जिन्होंने क्या किया, धर्म के प्रचार प्रसार, इसके कारण जो भी युद्ध हुए थे उनसे जन धन की बहुत हानि हुई थी, बहुत लोग प्रभावित हुए थे। तो इन लोगों ने ही क्या किया, जो जन सामान्य थे उनको नई राह दिखाई थी उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाया, सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास भी किया। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण ही इस काल को क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। इसी काल में विभिन्न संत हुए, उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का क्या किया, अनुसरण भी किया। ऐसे संप्रदायों में कौन कौन से हुए? राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल दिया, जाति व्यवस्था भेदभाव को मिटाया, ठीक है। इसके अलावा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो शब्द थे उनका प्रयोग किया गया जिससे कि जो भी जाति व्यवस्था में भेदभाव है उनको मिटाया जा सके, लोगों को समान स्थिति समान भाव से देखा जा सके। तो यही भक्ति काल जो है वह बताता है। इनके साथ सगुण भक्त कवि, सगुण भक्त भी हुए जो कि ईश्वर को मानते थे। इन्होंने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी री, माधवदास दत्तबाड़िया की राम रासो, ईश्वरदास की ईसरदास की हरी रस है, देवणिया रसाया जी झूला की नागदमन, इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज जो वो हमें पता लग रही है कि भक्ति धारा जो है वह किस तरीके से बही, कुछ निर्गुण भक्त हुए, कुछ सगुण भक्त हुए जिन्होंने जन सामान्य को जो युद्ध की परिस्थितियां सी उनसे निकालने के लिए उबारने के लिए ये चीजें की, जिसमें देखिए पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी री ये आपको याद रहनी चाहिए, और माधव दास दद्दवाणिया की राम रासो, ईश्वर दास की हरिरस और देवयान साया जी झूला की नाग दमन, ये सभी रचनाएं जो हैं वो किस किस की हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग ये चीज दोबारा करेंगे। थर्ड है उत्तर मध्य काल, जिसे श्रृंगार रीति नीति परक काल भी कहते हैं। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। तो अब जो है वह शांति का काल रहा 1650 से 1850 ईस्वी तक। शासकों ने अपने राज्य में कलाकार साहित्यकार इनको संरक्षण प्रदान किया जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। तो भक्ति धारा के बाद क्या आया, कौन सा काल आया? श्रृंगार रीति और नीति परक काल आया, उत्तर मध्य काल, जिसमें जो राजा महाराजा हुए उन्होंने अपने राज्य में कलाकारों को साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया।
लोक में प्रचलित प्रेम आख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंचाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति पारकों में राजिया रासोरठा, चकरिया रासोरठा, भेरिया रासोरठा, मोतिया रासोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि ये जो बेली किशन रुक्मणी जो है यह रचना किसकी है, पृथ्वीराज राठौड़ की। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अब देखिए, आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले जो कि 1857 में हुआ, इसके बाद समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। तो इससे पहले क्या था, शांति थी बिल्कुल, और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। तो साहित्य में भी इस चीज का वर्णन किया गया कि इससे पहले जो है शांति का काल था, लेकिन 1857 के बाद समाज में नवीन चेतना का विकास हुआ और जिसका असर जो है वो समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। तो ये चीज जो है वह आधुनिक काल इसको कहा गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने की। तो राजस्थानी साहित्य में सबसे ज्यादा किसको देखा जाता है, कवि राजा बांकीदास को और सूर्यमल मिश्रण को, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई। इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुआ। आधुनिक राजस्थान की साहित्य की गद्य पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां जिसमें है ख्यात। देसी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता, विशेष कार्य आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। यह इतिहास क्या कहलाता है, ख्यात कहलाता है। ठीक है, तो ख्यात की ये डेफिनेशन है, इसको समझना है कि देसी राज्यों के जो राजा थे इन्होंने अपने सम्मान, अपने सफलता, अपने विशेष कार्य इसका विवरण जो है लिखवाया। तो जिसमें लिखवाया तो वो क्या है, ख्यात कहलाता है। ठीक है, जैसे दयाल दास जी ख्यात है, बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास इसमें संचित है। मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित है, मोहनोत नैन्सी रे ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। उसके बाद है वचनिका, संस्कृत के वचन शब्द से बना है। वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, यानी बढ़ चढ़कर जो बातें जो है वो उसमें लिखी हैं। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गाड़ कृत अचल दास खींचीरी वचनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। तो ये राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाएं हैं। कौन कौन सी है, एक तो है अचल दास खींचीरी वचनिका, दूसरी है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। अगला है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु जो दवावेत है वो है उर्दू और फारसी के शब्दों में युक्त होती है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वचनिका जो है वह राजस्थानी में लिखी होती है तो दवावेत जो है वह किस भाषा में लिखी होती है, तो यह उर्दू और फारसी भाषा में। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाहयुक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावित, महाराणा जवान सिंह री दवावित, राजा जय सिंह री दवावित आदि प्रमुख दवावित ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से दो प्रमुख वचनिकाएं आप लोग याद रखिएगा, उसी तरीके से यहाँ जो दवावित हैं इनको भी आप याद रखिएगा। और वचनिका और दवावित में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए।
वात कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चला चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता रहता है। इन वातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में, पद्य में और गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंगरी वात, खींचिया रीवात, पाबूजी रीवात, कानड़ देवरी वात, अचल दास खींची रीवात आदि प्रमुख वातें हैं। तो ये वही है जो कि क्या कि किससे कहानी जो है वो कही जाती है, उसी को क्या कहते हैं, वात, जिसमें कहानी कहने वाला कहता चला जाता है और सुनने वाला हुंकारा भरता चला जाता है। उसके बाद है झमाल। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक क्या है, छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंगरी झमाल प्रसिद्ध है, ठीक है, झमाल प्रसिद्ध है, राव इंद्र सिंगरी। झूलड़ा, झूलड़ा राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलड़ा, राजा गज सिंह रा झूलड़ा, राव सुरतान देवड़े रा झूलड़ा आदि प्रमुख झूलड़ा रचनाएं हैं। ठीक है, तो बस प्रमुख प्रमुख जो है वो चीजें आप याद रखिएगा कि वचनिका जो है वो दो प्रसिद्ध हैं, उनको याद रखिएगा, अचलदास खींचीरी वचनिका और राठौर रतन सिंह महोज दासोद्री वचनिका। दवावेत याद रखिएगा, दवावेत जो है वो अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराजा महाराणा जवान सिंगरी दवावेत और राजा जय सिंगरी दवावेत जो है वो प्रसिद्ध है। वात में हमने देखा कि राव अमर सिंगरी वात, खींचियारी वात, पाबूजीरी वात, कानड़ देवरी वात और अचलदास खींचीरी वात ये प्रमुख हैं। झमाल जो है वो राव इंद्र सिंगरी झमाल प्रसिद्ध है और झूलड़ा जो है वह है राजस्थानी काव्य का क्या है, मात्रिक छंद है, जिसमें अमर सिंह राठौड़ रा झूलड़ा, राजा गज सिंह रा झूलड़ा, राव सुरताड़ देवड़े रा झूलड़ा ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। पर्ची, संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहते हैं, पर्ची। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। ये क्या है, ये जो इनके जीवन परिचय होते हैं संत महात्माओं के, राजस्थानी भाषा में जिस पद्य यानी कि कविता के रूप में इनका रचना मिलता है उसको परिचि कहते हैं। प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धि या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहते हैं, प्रकाश। किशोर दास का राज प्रकाश, आशिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है जो कि उस व्यक्ति विशेष की जो भी उपलब्धि है, जो भी घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालती है। मरस्या, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद, मरस्या यानी कि किसी की मृत्यु के बाद, किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी होता है। राणे जगपत राम मरस्या, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है रासो। मोतीलाल मेनरिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता इनका वर्णन मिले उसे कहेंगे रासो। रासो ग्रंथ में जैसे चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो है, नरपति नाल का विसलदेव रासो है, गिरधरासिया का जगत सगत रासो है, दौलत विजय का खुमान रासो है, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रासो हैं। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा दे जीरो, राज रूपक आदि प्रमुख ये क्या है, रूपक काव्य हैं। तो यहां पर देखिए ये सब चीजें जो है वो आपने पढ़ी हुई हैं, नाम भी आप लोगों को पता है, रचनाएं भी पता है, बस यहाँ पर ये चीज देखनी है कि कौन सी रासो है, कौन सी रूपक है, किसे वेली कहते हैं, किसे विगत कहते हैं। नेक्स्ट है रूपक, किसी वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा दे जीरो, राज रूपक आदि रूपक काव्य है। तो हमने अभी पढ़ लिया था ये। विगत, विगत किसी विषय का विस्तृत विवरण
प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति, उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। किसमें? विगत में। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहते हैं। मोहनोत नैन्सी की मारवाड़ रा परगनारी विगत, आपने सुना है मोहनोत नैन्सी का है कौन सा? मारवाड़ रा परगनारी विगत। इसमें प्रत्येक परगने की आबादी, वहां की उस परगने में जो भी जनसंख्या है, रेख है, भूमि की किस्में हैं, फसलों का हाल है, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वेली। वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे गए। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दई दास जैतावत रिवेली, रतन सिंह खीवा वचरी वेली और राव रतन रिवेली, ये प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली कृष्ण रुक्मणी री है। नेक्स्ट है साखी। साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ। कबीर की साखी जो वो बहुत प्रसिद्ध है, जो हम सभी जानते हैं। सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंगरा सिलोका, अजमाल जीरो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंगरो सिलोको, भाटी केहर सिंगरो सिलोको आदि प्रमुख क्या है? सिलोके हैं। उसके बाद देखिए आधुनिक राजस्थानी साहित्य। तो चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ही बाकी है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकर दान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं बल्कि विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थ परक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया, साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। तो ये बस बताया जा रहा है कि आधुनिक राजनीतिक साहित्य में किस किस ने अपना सहयोग किया, जिसमें शुरुआत जो है वो करते हैं मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद देखिए केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, हीरा लाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया, इन्होंने लिखा। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करती है। तो ये सभी नाम जो हैं वो आप लोगों को पता है। तो इन्होंने लिखा किसके बारे में? आजादी की लड़ाई के बारे में लिखा। किसी किसी ने भाग लिया तो उन्होंने भी इस चीज के बारे में लिखा। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलन जो है वह किया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनाड़ी कवि सम्मेलन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। किसकी? राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनाड़ी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी जो है वो अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। कौन? सत्यप्रकाश जोशी। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया जो है वह जिनके गीत धरती धौरारी, किसका है? कन्हैयालाल सेठिया का गीत है, याद रखिएगा। जिनके गीत धरती धौरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। मींझर और लील टांस सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। ठीक है, मींझर और लील टांस सेठिया जो है वह मींझर और लील टांस ये किसके काव्य संग्रह है? सेठिया जी के। सातवें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम बूम, जानकारी, ओलमो, आणेसर,
हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चावल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आए। यही वह समय था जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह सौदा की कटेई की वेंगोहे, मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो हरीश भादाणी की बोले सरठाड़ो, बांधा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़ मारग, अर्जुन देवचारण की रिंदरोही, मालचंद तिवाड़ी की उतरियो आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर प्रदान किया। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो आप एक दो बार देखेंगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, शिवचंद्र भरतिया, इनको राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी ने, चूंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमूलक माता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गणा, के रे चकवा बात आदि। विजयदान देथा ने अपनी बाथारी फुलबाड़ी श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। तो बाथारी फुलबाड़ी किसका है? विजयदान देथा का। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं, दुविधा है, उलझन है, अलेखू, हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पहेली मूवी देखी होगी तो वह किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देथा की कृति है, दुविधा इस पर आधारित है पहेली नामक फिल्म। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया गया। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रह जमारो, समंद अर्थार में संग्रहित है। उनके कुछ उपन्यास हैं हूं गौरी, किरण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी आदि। ये किसकी हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की क्या है ये कहानियां, ये क्या है? उपन्यास है। हूं गौरी, किरण पीवरी ये उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा का, जोग संजोग चंदा सेठानी। ठीक है, इसके अलावा जमारो, समंद अर्थार, इसमें संग्रहित हैं उनके सभी संग्रह। इसी प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह परण्योणी, कुंवारी कंवारी तथा उपन्यास आभय पट्ट की धोरारो धोरी, एक बीनड़ी दो बीन भी प्रमुख प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नृसिंह राजपुरोहित, अन्ना राम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया आदि प्रमुख हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे रचनाएं, बहुत सारे नाम हैं, इनको याद करने में थोड़ा परेशानी तो आती है, लेकिन आप टुकड़ों में अगर इनको करेंगे तो ये याद हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर में भी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करवाऊंगी जिससे कि आप डेली के डेली इनको याद करते जाइएगा। साहित्यिक पत्रकारिता, राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन, अजमेर की लहर, भरतपुर की ओर, कांकरोली की संबोधन, अलवर की कविता, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर और स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेक्षण मधु माधवी के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त तो रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई ये है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार क्या है, इतना वो विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। तो ये होता है आपका चैप्टर जो है वह कंप्लीट। तो आज मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से कराना भी था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी से करा भी दिया है। यहाँ पर समझाने का तो कुछ भी नहीं है, रचनाएं हैं और उनको लिखने वाले जो हैं वह रचनाकार हैं, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अभ्यास प्रश्न जो है वो देख लीजिए। बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? फटाफट बताइए। मालचंद तिवाड़ी की, लक्ष्मी कुमारी की, श्रीलाल की या विजयदान देथा की? तो बिल्कुल हमने अभी ही पढ़ा था, अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको इसका सही आंसर, ये तो आपका होमवर्क है जो कि आप मुझे करके देंगे। जिस काव्य ग्रंथ में
किसी राजा की कीर्ति है, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन, उसे क्या कहेंगे? रूपक कहेंगे, विगत कहेंगे, रासो कहेंगे या वेली कहेंगे? तो ये भी आप बताइएगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान की दो बोलियों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, झमाल से आप क्या समझते हैं? कन्हैया लाल सेठिया के दो प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? राणी जगपत राव मरस्या किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया? सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है। तो ये जो 8 क्वेश्चन है ये होमवर्क आपका है, ये आप करके देंगे, ठीक है? तो 8 क्वेश्चन जो है इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।